दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो, फ्रेशर अकाउंटेंट यानी कि आपने कोई टैली जैसे सॉफ्टवेयर को सीखा है या कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड आपने कोई भी कोर्स किया हो, लेकिन आप अभी तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अपने कोर्स को लेके भी आप कहीं पे भी जाके किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग को मेंटेन कर सको, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके चलते आपके माइंड में जो एक हर एक फ्रेशर अकाउंटेंट के माइंड में वो क्वेश्चन रहता है भी वाउचर्स क्या होते हैं, टेली में डाटा एंट्री हम किसको बोलते हैं, अकाउंट्स को प्रॉपर किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, तो ये सारी कन्फ्यूजन आज की इस वीडियो में आपकी दूर होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, साथ पर ऑल पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर और बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के प्रैक्टिकल और नॉलेजेबल वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप अकाउंट्स को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को सर्च कीजिए। आपको टाइप करना होगा URL में जाके youtube.com/smartaccountingarsenal। तो आपको इस तरीके का लोगो दिखाई देगा जहां पर ये आपका नाम आपको दिखाई देगा स्मार्ट अकाउंटिंग आर्सेनल का, और आप वहां पर इस प्लेलिस्ट में जा सकते हो। और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको हमारे काफ़ी सारे यहाँ पे टेली सॉफ्टवेयर की और बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, फैक्टेक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिकल वीडियो यहाँ पर मिलेगी। तो आप इन वीडियो को देख के भी अच्छी तरीके से अकाउंटिंग को घर बैठे भी सीख सकते हो। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वाउचर क्या होते हैं और टेली सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री क्या होता है। तो दोस्तों, जो नए स्टूडेंट होते हैं, बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट, जिन्होंने कोई प्रैक्टिकली नॉलेज कहीं से भी नहीं लिया, जहाँ से भी उन्होंने किसी भी इंस्टीट्यूट से, चाहे वो टेली सॉफ्टवेयर सीखा हो चाहे कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखा हो, तो उन्होंने केवल नोट्स के थ्रू ही सॉफ्टवेयर को सीख लिया। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे भी आपको वाउचर क्या होते हैं, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड में एक ही बात चलती है भी जब हम किसी सॉफ्टवेयर में जाके वाउचर पे जाते हैं तो वहाँ पर जो हमें एक लिस्ट जो शो होती है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हो, जैसे कॉन्ट्रा की है, पेमेंट की है, रिसिप्ट की है, जर्नल की है, ये केवल इनको ही वाउचर समझते हैं। ये रिसिप्ट, ये टेली के अंदर ये रिसिप्ट एक वाउचर होता है। ये बहुत ही एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है भी, वो वाउचर को भी अभी तक प्रॉपर सही तरीके से नहीं समझ पाए भी वाउचर हम एक्चुअल में रियल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में जब मेंटेन करते हैं तो वहाँ पर वाउचर का रियल में मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले इसी मैटर पर हम बात करेंगे भी वाउचर की कहानी क्या होती है। तो दोस्तों, कुछ हमारे पास PDF फाइल है, इसके थ्रू हम आपको बताएंगे भी वाउचर क्या होता है। तो दोस्तों, आप टेली सॉफ्टवेयर यूज करते हो, आप गेटवे टेली पे जाके वाउचर पर इंटरप्रेस करते हो, तो आपके सामने काफ़ी सारी वाउचर से रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको शॉर्टकट भी पता होती है। अभी F8 हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास सेल का वाउचर ओपन होगा, F9 हम यूज़ करेंगे तो परचेज का वाउचर ओपन होता है। तो क्या आप इसको भी वाउचर समझते हो? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये केवल, अब जैसे कि हमारे सामने ये प्रॉपर ये जर्नल वाउचर ओपन है, तो दोस्तों ये जर्नल वाउचर एक ओपन है यहां पर, नहीं कि ये जर्नल खुद एक वाउचर है। ये यहां पर इसका सॉफ्टवेयर का मतलब ये हो गया भी यहां पर आप अपना जर्नल वाउचर की एंट्री पोस्ट कर सकते हो। जैसा कि हम यहां पर सेल को करते हैं तो आप देख रहे हो हमारे पास यहां पर सेल का ऑप्शन आ गया, तो यहां पर आपको प्रूफ दिखाई दे रहा है अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन भी। आपके पास जो सेल से संबंधित, या आपने जो कस्टमर को जो सेल किया है उसका आपने कोई कागज आपने तैयार किया है, कोई स्लिप आपने तैयार करी है, उसको यहां पर आपको मेंटेन करना है। तो दोस्तों, अब रियल में जो वाउचर होता है वो ये हमारा वाउचर होता है। ये जैसे कि आप देख रहे हो इस वाउचर के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है टैक्स इनवॉइस। अब ये आपके लिए परचेज वाउचर भी हो सकता है, सेल वाउचर भी हो सकता है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं भी आपकी कंपनी कौन सी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे कि हमारे पास हमें दिखाई दे रहा है हेडिंग में जो नाम हमारे पास आ रहा है स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी का, और जो बायर्स है हमारे यानी कि जो हमारा कस्टमर है वो है सुरेश ट्रेडिंग कंपनी। तो इसका मतलब ये हो गया ये स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से सेल इनवॉइस हो गया। अगर हम बात करें सुरेश ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से, अगर आपकी कंपनी सुरेश ट्रेडिंग कंपनी है तो आपके लिए ये परचेज वाउचर तैयार हो गया। तो दोस्तों, रियल में होता वाउचर ये, जैसे कि आपको मैं कुछ अलग वाउचर और दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये वाउचर है सेल का वाउचर, इसका इनवॉइस का नंबर या इसको वाउचर नंबर हम कह सकते हैं STC001 का है, और इसी तरीके से ये हमारे पास दो नंबर वाउचर है, इसी तरीके से तीन नंबर वाउचर है। तो इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास वाउचर आएंगे, जैसे कि अब हमारा जो नाम है वो स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, अब ये कस्टमर नेम में आ गया, तो इसके मतलब ये हमारे लिए एक तरीके का
परचेज वाउचर तैयार हो गया, ये हमारे पास ये परचेज वाउचर है। ये रियल्टी के अंदर वाउचर होते हैं ये, जो हमें एज ए पेपर के रूप में हमारे पास आते हैं। तो कुछ इस तरीके से और भी काफी सारे वाउचर, जैसे कि बैंक के रिकॉर्ड हो गए, तो बैंक के रिकॉर्ड को भी हम, जो हमारे पास बैंक का जो चेक बुक होता है रियल में, जो कागज होता है चेक के रूप में, उसको हम वाउचर बोलते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों काफी सारे, जैसे कि हमारे पास ये डेबिट नोट है, तो डेबिट नोट भी एक तरीके, हम जो तैयार करते हैं डेबिट नोट मैनुअल रूप से हमारे स्लिप के अंदर, वो हम, ये हमारा डेबिट नोट का वाउचर होता है। तो दोस्तों ये जो टैली सॉफ्टवेयर में आप ये जो वाउचर के ऑप्शन जो देखते हो, या आप अलग अलग क्रेडिट नोट के, डेबिट नोट के, जर्नल परचेज, जितने भी वाउचर हमारे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी क्रिएट होते हैं, वो सब हमें वाउचर वहां पर पोस्ट करने की अनुमति देते हैं, न कि वो वाउचर कोई खुद तैयार करते हैं। तो ये ऑप्शन होते हैं हमारे पास भी। आपको यहां पर सेल वाउचर की एंट्री करनी है, आप रिसिप्ट यूज कर रहे हो, तो आपको रिसिप्ट का जो वाउचर आपके पास है, इसमें से आपको पहचानना होता भी हमारे पास रिसिप्ट का वाउचर कौन सा है। जैसे कि हमारे कुछ इस तरीके के खर्चे के एक्सपेंसेस आ गए, यानी कि जब हम खर्चे का वाउचर हम बोल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भी प्रॉपर तरीके से जो हमारे जो खर्चे के जो वाउचर है, इसको हमें मेंटेन कहां पे करना है। अभी आपको सॉफ्टवेयर चल के नहीं बताएगा भी, आपके सामने ये जो कागज आपके पास पड़ा है, या जो हम इसको ये कह सकते हैं भी, आपके पास ये वाउचर आपके सामने जो पड़ा है, आपको यहाँ पर मेंटेन करो, वो आपको पता होना चाहिए भी हम इस वाउचर को कौन से वाउचर के अंदर पोस्ट करना है। तो पोस्ट आपके सामने सारे वाउचर ओपन कर दिए टेली सॉफ्टवेयर ने, जो यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए कौन सा हम यूज करना चाहते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से जो हमारे पास कागज होते हैं, हम उनको वाउचर बोलते हैं। अब जैसे कि आप ये देख रहे हो रिसिप्ट है, अब ये रिसिप्ट किसकी तरफ से इशू की गई है, दुर्गा ट्रेडर्स की तरफ से। तो अब आपको पता होना चाहिए भी, ये जरूरी नहीं है भी आपके सॉफ्टवेयर में ये कोई रिसिप्ट वाले ऑप्शन में ही एंट्री होगी। अभी डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर भी, आपकी कंपनी का नाम क्या है। अब मान लीजिए जैसे आपकर आपकी कंपनी का नाम दुर्गा ट्रेडर्स है, तो ये इश्यू करने वाला कौन हो गया, दुर्गा ट्रेडर्स। तो इसका मतलब ये हो गया ये दुर्गा ट्रेडर की तरफ से रिसिप्ट तैयार करी हुई है। तो अगर आपकी कंपनी का नाम स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी है, तो ये स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से क्या बनेगा, पेमेंट वाउचर। क्योंकि स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी ने दुर्गा ट्रेडर्स को जब ये पेमेंट उन्होंने ये करी थी 5,000 रुपये की, तो उस 5,000 रुपये के बदले में जो वाउचर मिला है स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी को दुर्गा ट्रेडिंग की तरफ से, ये एक रिसिप्ट वाउचर मिला है। ये हमारे पास एक कागज के रूप में आएगा, पेपर के रूप में आएगा। तो अब इसकी एंट्री हमें पेमेंट वाउचर में करनी पड़ेगी, अगर हमारी कंपनी का नाम स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी है तो। तो इसकी एंट्री हम करेंगे पेमेंट वाउचर में जाके। तो ये कोई जरूरी नहीं है भी इस वाउचर के ऊपर रिसिप्ट लिखा हुआ है, तो आप हमेशा इसके अंदर रिसिप्ट वाउचर में ही यहां पर आके एंट्री करोगे इस ऑप्शन पे आके। तो ये आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से कुछ और भी हमारे पास वाउचर हैं, तो आपको जैसे कि ये क्रेडिट नोट आ गया। अब ये क्रेडिट नोट, अब यानी कि अब इसको बंदा क्या समझता है भी, क्रेडिट नोट होता है जो हमेशा सेल रिटर्न होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता भी, हमेशा जो क्रेडिट नोट है वो सेल रिटर्न के पर्पज से ही बनाया जाता हो। तो ये क्रेडिट नोट, डेबिट नोट क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हमने दोस्तों काफ़ी सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो भी एक्चुअल में क्रेडिट नोट कितने टाइप के होते हैं और उनका अलग अलग मतलब क्या होता है। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास वाउचर है। तो दोस्तों रियलिटी में हमारे पास ये जो आएंगे, ये हमारे वाउचर होते हैं, जबकि ये सॉफ्टवेयर के अंदर हमें ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पर हमें वाउचर एंट्री पोस्ट करने का ऑप्शन हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं डेटा एंट्री की। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है भी, जो नया अकाउंटेंट होता है उसको ये बात बोली जाती है भी आपको केवल डेटा एंट्री करनी होगी टैली सॉफ्टवेयर में। तो अब उस बात के लेके कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है उस माइंड में भी, डेटा एंट्री किसको बोला जा रहा है। तो दोस्तों डेटा एंट्री का मतलब हो गया भी, जो वाउचर आपके सामने है, जो प्रॉपर कोई भी वाउचर है, चाहे वो आप सेल का वाउचर आपके पास है, चाहे वो खर्चे का वाउचर है, चाहे वो सेल का है, चाहे पेमेंट का, रिसिप्ट का, बैंक का, कोई भी वाउचर हो सकता है, उस वाउचर को आपको प्रॉपर उस वाउचर में जाके जो पोस्टिंग करनी है, जहाँ जहाँ पे आपको जो जो चीज़ें लिखनी है, वो ही आपके लिए डेटा एंट्री का काम होता है। जैसा कि हम आपको एक प्रैक्टिकल करके हम बताते हैं, एक हम परचेज वाउचर हम लेते हैं, इसमें से कुछ टैक्स इनवॉइस हमारे पास आ जाएंगे ताकि हम बता सकें। तो दोस्तों जैसा कि अब आपके सामने ये इनवॉइस दे दिया जाए और आपको ये बात बोली जाए भी आप इस वाउचर की डेटा एंट्री कीजिए, अब इसका मतलब क्या हो गया भी आपको ये इनवॉइस है जो एंट्री वहाँ पर करनी है। अब डेटा एंट्री का मतलब आ गया भी, अब आपके लिए मान लीजिए ये अगर परचेज इनवॉइस अगर आप इसको मानते हो, तो आपको परचेज वाउचर में एंट्री करनी है अगर आपने गुड्स परचेज किया है। तो अगर आपने सेल किया है तो आपको ये सेल वाउचर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम ये मान के चलते हमने परचेज एंट्री करी है,
तो अब इसका मतलब ये आ गया, अब हमें डाटा एंट्री का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले हमें यहाँ से वाउचर नंबर पूछा जाता है, तो हमें इस इनवॉइस में से देख के ये जो इसका इनवॉइस नंबर होता है वो इनवॉइस नंबर हमें वहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे जैसा हमें DT और 729, उसके बाद में ऑप्शन आता है हमारे पास डेट का, जैसे कि डेट इसमें लगी हुई है 2 अगस्त 2021 की, तो हमें डेट भी चेंज करनी पड़ेगी। आप डेट अभी प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो 20 सितंबर 2021 का आ रहा है, तो हमें F2 से डेट हमें चेंज करनी होती है, तो हमें 2 8 2021 की। उसके बाद में सप्लायर का इनवॉइस के नंबर में भी सेम हमें वो ऑप्शन डालना है 729 का, डेट हमारे पास प्रॉपर 2 अगस्त रहेगी। उसके बाद में पार्टी अकाउंट नेम, अब पार्टी अकाउंट नेम में हम जैसे कि हमारे पास हमने दुर्गा ट्रेडर्स से ही गुड्स परचेज किया हुआ है, तो हमें यहाँ पर दुर्गा ट्रेडर्स का लेजर हमें बनाना पड़ेगा अगर हमारे पास बना हुआ नहीं है। तो दोस्तों ये जो हम मैनुअल रूप से जो कीबोर्ड से हम जो जो बातें यहाँ पर लिख रहे हैं ना, वही हमारे लिए एक तरीके का डेटा एंट्री का वर्क होता है। अब मान लीजिए अब आपके पास दुर्गा ट्रेडर्स का लेजर नहीं है, तो आपको शॉर्टकट Alt+C यहाँ पर यूज करना होता है, और उसके बाद में हम दुर्गा ट्रेडर्स का लेजर क्रिएट करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर भी अच्छी तरीके से पता होना चाहिए भी जो आपने लेजर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो तो उसका ग्रुप आप क्या रखोगे। तो अब आप देख रहे हो भी टेली सॉफ्टवेयर ने जैसे ही आपने नाम यहाँ पे लिखा पार्टी का, और उसके बाद में जो ग्रुप की लिस्ट है आपके सामने ओपन होगी। अब इसमें से कौन सा आपके लिए ये एलिजिबल है, इसका ग्रुप सेलेक्ट कौन सा करोगे, वो आपको पता होना चाहिए, न कि सॉफ्टवेयर आपको बताएगा भी ये आपका ग्रुप इसमें जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए जो हम जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं, जो हमारे सप्लायर होते हैं उनको हम सेंडरी क्रेडिटर्स में सेलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद में ये ऑप्शन आपको इनेबल रखने कि नहीं रखने आपकी कंपनी के लिए, तो ये एक तरीके का सारा प्रॉपर जो हम इसका एड्रेस है वो एड्रेस हमें जो यहाँ पर लिखना होता है वो एड्रेस हमें पता होना चाहिए भी एड्रेस हमारा क्या रहेगा। तो ये जो हम पोस्टिंग जो कर रहे हैं इसकी प्रॉपर सही तरीके से, यही एक तरीके का हमारा डेटा एंट्री का वर्क होता है। उसके बाद में जो भी हमारे पास स्टॉक आइटम आएगी, स्टॉक आइटम को यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, उसकी क्वांटिटी वगैरह क्या रहेगी, हम आइटम इनवॉइस लेंगे, स्टॉक आइटम वगैरह क्या रहेगी आपके पास, तो वो सारी प्रॉपर आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद में आप कितनी क्वांटिटी आपने परचेज करी है, क्वांटिटी आपको डालनी है, और उसके बाद में पर यूनिट्स का आपके पास रेट क्या लग गया है वो रेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद में आपको परचेज का लेज़र यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो CGST SGST के जो लेज़र हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो इस तरीके के जो हम कीबोर्ड से अभी तक जितना वर्क हमने किया है वही हमारे लिए डेटा एंट्री का वर्क होता है। तो दोस्तों आप इसमें कन्फ्यूजन मत रहिए भी डेटा एंट्री कोई अलग से होता है, और आपने जो अकाउंटिंग सीखी है वहाँ पे परचेज एंट्री करना, सेल एंट्री करना, वो कोई अलग चीज़ है, वही एक तरीके का डेटा एंट्री का ही वर्क होता है। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से आपका कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हुआ होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।